मैं सियामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना संकट से पूरा देश जहां जूझ रहा है, वहीं लॉकडाउन में घरों से निकलना बेवजह मना किया गया है। अगर लॉकडाउन में कोई भी बेवजह घरों से निकलता है तो उसे पुलिस सड़क पर कान पकड़वाकर उठक बैठक करवाती है, मगर अब पुलिस की तस्वीरें वो सामने आ रही हैं जो बेरहमी से पिटाई कर रही है, तो कहीं सिर पर लाठी मारकर सिर फोड़ दे रही है। इसी तरह से मुमरा के रशीद कंपाउंड में रहने वाले जुवैद हाशमी के सिर पर एसआरपीएफ ने लाठी मारकर उसका सिर फोड़ दिया। इसी तरह से औरंगजेब पठान को भी एसआरपीएफ ने बेरहमी से बीच सड़क पर पीटा है। वहीं मुमरा के शाहीन बाग के वॉलंटियर जमील को मार्केट से लौटते समय एसआरपीएफ की टीम ने लाठियों से पिटाई कर दी और तीनों लोगों की भयानक पिटाई होने की वजह से उन्हें काफ़ी चोटें लगी हैं। सबसे पहले हम आपको रशीद कंपाउंड में रहने वाले जुवैद हाशमी की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए किस तरह से लाठी मारकर जुवैद के सर फोड़ दिया गया है। जुवैद ने बताया कि वो घमौरी ठीक होने वाला पाउडर लेने के लिए मेडिकल पर गया था। इसी दौरान पीछे से जुवैद के पैर पर एसआरपीएफ ने लाठी मारा और जुवैद जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसके सिर पर एक एसआरपीएफ वाले ने लाठी मार दी। सिर पर लाठी लगने की वजह से उसका सिर फूट गया और खून बहने लगा। सुनिए जुवैद ने क्या बताया है। क्या नाम है आपका? जुवैद हाशमी। कहाँ गए थे आप रोड पर, क्या लेने के लिए गए थे? मेडिकल पे गए थे पाउडर लेने के लिए, तो पुलिस को देखा तो मैं साइड में हो गया, तो पीछे से आया, उसने डंडा पैर में मारा, फिर सर में मारा। मैं भागा तो सर में मारा, खून निकल गया फट गया सर। तो अभी क्या दवा ववा लिए आपके या नहीं थी? दवा लिए तो डॉक्टर के पास गए तो बोला सामान नहीं है तो पट्टी नहीं बांधा, तो फिर वही तेल लगा के मैं वापस आया, दवाई लिखाया उसने, दवा दिया। तो मैं रोजे से था, खा नहीं रहा, तो दर्द ज़्यादा हुआ तो मैं रोज दवाई खाया। फिर दोपहर के बाद इधर हॉस्पिटल गए तो उधर कोई डॉक्टर नहीं मिला, सब डॉक्टर बंद हो गए। अच्छा, कितने डंडे मारे आपको? एक पैर में मारा, एक सर में मारा, बहुत खून निकला। वही दवाई लेके आए, ट्यूब लिखा, वही लगा रहे। क्या लेने गए थे मेडिकल को? वही पाउडर का था। वही सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एसआरपीएफ लाठियों से एक व्यक्ति की पिटाई करते हुए नजर आ रही है। इस व्यक्ति का नाम औरंगजेब पठान है। जरूरी काम से वह घर से बाहर गए थे और वापस लौटते समय 4 से 5 एसआरपीएफ के जवानों ने बेरहमी से पिटाई की। इस दौरान बार बार औरंगजेब पठान ये कहते रहे कि आखिर उनका गुनाह क्या है, उन्होंने ऐसा क्या किया है जो उन्हें पीटा जा रहा है, मगर एसआरपीएफ के जवान सुनने को राजी नहीं और बेरहमी से औरंगजेब पठान की पिटाई करते रहे। सुनिए औरंगजेब पठान ने क्या कहा है। भाई ये तो कैसा, ये पूरा सोशल मीडिया ने दिखा दिया कि वाकई सोशल मीडिया जिंदा है और सोशल मीडिया कुछ हद तक के पावर में, तो सोशल मीडिया को तो खुद ने दिखा दिया कि जो हुआ, जो जाती हुई मेरे साथ में जो जुल्म हुआ वो गलत हुआ। और इस तरीके से हुआ कि इस तरीके से मुझे मारा गया जैसे मैं ना जाने मैंने क्या जुल्म किया, और मैंने क्या जुल्म किया मेरे समझ में नहीं आया। भाई कहता मैं हर चीज़ में लीगल था, मैं मेरे वालिद साहब के लिए नारियल पानी लेने निकला, मैं कौसा में गया नारियल पानी लेके, मैं ऊपर स्टेशन में आ रहा था, मेरे को डॉक्टर खान मिले, मेरे को लिफ्ट मांगे, मैंने उनको लिफ्ट दिया। बस वो लिफ्ट से लेके मैं शंकर मंदिर के पास आया, उन लोगों ने मुझे रोका, मैं रुका, मैंने बोला साइड में, मैंने साइड में लिया। तीसरे ने मेरे को डंडा मार दिया और चौथे ने, पांचवें ने, मतलब उस तरीके से डंडा बरसा दिया। मैं सिर्फ सोच में पड़ गया कि मैंने किया क्या, कुछ समझ में नहीं आया कि मैंने किया क्या। इसके लिए मैंने ना उन पर हाथ नहीं छोड़ा, इसलिए नहीं छोड़ा कि भाई वो पुलिस है, और अगर अल्लाह ने अगर मैं हाथ छोड़ देता या मेरे से हाथ गुस्से में उड़ जाता तो ऐसा हो जाता कि भाई इसने पुलिस को मार दिया। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मेरी इज्जत रखी, जो मैंने अपने आप को बर्दाश्त कर लिया, कहीं ना कहीं मार खा के मैं सहन गया और अल्लाह के हाल पर मैंने छोड़ दिया। तो मैं तो छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह इंशाल्लाह ताला नहीं छोड़ेगा, ये चीज़ का बहुत गंदा है, अल्लाह इसका बदला लेगा। और मैं तो मेरे अल्लाह की ज़ात को उम्मीद है इंशाल्लाह ये बेहतर लेगा। सिर्फ मैं तो इतना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारी मुमरा चौकी, बम्बई चौकी या महाराष्ट्र चौकी, हिंदुस्तान की पुलिस हमारी ऐसी नहीं है। ये जो बाहर की पुलिस आई है ना मुमरा में, ये माहौल ख़राब कर रही है, और ये इस तरीके से माहौल ख़राब कर रही है कि मेरा जो लिबास है ना, ये लिबास के हिसाब से मुझे मारा, बाकी मेरी कोई गलती नहीं थी। आपने मेरा वीडियो देखा होगा, मेरे वीडियो के मेरे को मारने तक का ना कम से कम 4-5 बाइक आई गई, उनको किसी ने रोका नहीं, उनको किसी ने पूछा नहीं, ना उनको किसी ने मारा। तो ये जुल्म मेरे साथ में क्यों हुआ? इसलिए कि मैं टोपी में हूँ, कुर्ते में हूँ, इसलिए मेरे साथ में हुआ। और ये मुमरा की पुलिस नहीं, क्योंकि मुमरा की पुलिस ऐसा कभी नहीं करेगी। तो मार रहे क्यों? मैंने किया क्या? मैंने क्या किया? आप मेरा वीडियो देखोगे तो मेरे ये किया हुआ सही कि मैंने किया क्या, मुझे क्यों मार रहे, मैंने क्या कोई गलत काम किया, जुल्म किया, क्राइम किया, क्या मैं आरोपी हूँ, मैंने किया क्या?
लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, बस मुझे अंधाधुन मार दिया गया और मैंने निल्ला साहब मां साबरीन किया। मेरे अल्लाह की ज़ात में मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इसका बहुत अच्छा फैसला और इसका बहुत अच्छा काम अल्लाह लेगा, और मैं जानता जहाँ तक हमें जान ये चार मेरी सोच है कि इंशाल्लाह ये होगा कि हमारे जो मुमरा सीनियर है और जो भी हमारे बड़े से बड़े अधिकारी है, जो भी आला से आला ऑफिसर है, इसके खिलाफ वो खुद एक्शन लेंगे, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे खुद वो मेरी देखे होंगे कि किस तरीके से उन लोग मुझे मार रहे। और इसी तरह से खाना पहुंचाने वाले जमील को भी SRPF ने अपना शिकार बनाया और उसे लाठियों से पीटा है। खाना पहुंचाने वाले जमील को इस तरह से मारा लाठियों से कि जैसे खाना पहुंचाने वाला नहीं बल्कि कोई मुजरिम। एक के बाद एक SRPF द्वारा पिटाई का मामला अब सामने आ रहा है और जिसको लेकर मुमरा शहर के लोग काफी नाराज भी हैं। मगर अब ऐसे में पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि किसी को भी अब मारा नहीं जाएगा। SRPF के जवानों को भी कहा गया है कि वो किसी को ना मारे। मुमरा पुलिस के अधिकारी क्वारंटाइन से अब वापस आ गए हैं और मुमरा पुलिस वापस आकर अपनी ड्यूटी भी संभाल लिए हैं। पुलिस ने ये भी आश्वासन दिया है कि अब किसी को भी मारा नहीं जाएगा। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।